तय करो कि तुम में से मैकडॉनल्ड्स में कौन खाता है। हाँ, पीछे से रात में। उन्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, इसको पता होगा, मुझे भी नहीं पता। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हमें ये खिलौने मिले हैं कचरे के डब्बे में। हाँ, वैसे हमने खाना ऑर्डर कर दिया है तो क्या? तुम्हारे पास हमारे खिलाफ? हम तुम्हारे पालक के टोस्ट रोज नहीं खाने वाले हैं, समझ गए ना तुम लोग? दोस्तों, क्या तुमने ये सुना? बास्केटबॉल प्लेयर्स हर रात को मैकडॉनल्ड्स का खाना खाते हैं। मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से, हमें बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट? हमें थोड़ा चुप रहो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाकर रह सकते हो, यहाँ तो ऐसा ही खाना मिलेगा। हम इस कैंप में डाइट पर हैं। क्या तुम्हें अपना वजन 200 केजी और बढ़ाना है इस गर्मियों में? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स हम पे इल्जाम डालें। ये चीयरलीडर्स बहुत ज्यादा जबरदस्ती। हाँ, हमारे पास भी हक है अपनी बात बोलने का। बेहतर होगा कि हम इन्हें जरूरत से ज्यादा खाना ना दे। ये लोग यहाँ पे सिर्फ आराम करने के लिए आती है। मैं सॉसेज खाना बहुत मिस करता हूँ इस कैंप में। हमें भी सॉसेज चाहिए। लड़कियों, क्या तुमने ये नहीं सुना कि ये लोग हमें बायकॉट करना चाहते हैं? हाँ, जो भी वो खाना मिस कर रहा है वो अपने घर जा सकता है। स्कूल बस से जा सकते हो तुम लोग? हाँ। तो कौन कौन जाना चाहता है अपने घर? मैं तो अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो अभी तक अपने प्यार से भी नहीं मिली। गीगी, लेकिन पात्री का क्या ख्याल है? वो उससे परेशान हो गई है। देखो, बोल भी कौन रहा है, मैं थक चुका हूँ तुमसे, समझी? पात्रिक, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, अगर तुम इतनी ही जिद्दी हो तो तुम अपना खाना खुद ही बना सकते हो। तुम्हें पता है कि एवोकाडोस किधर है? तुम्हें पता है पालक किधर है? और क्या तुम्हें पता है कि ऑलिव ऑयल किधर है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल किधर है? ओके, तुम लोग बहुत ज्यादा मोटे हो। हे चीयरलीडर्स, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहने वाला है, समझी? तुम चाहते हो कि हम तुम्हें खाना खिलाएं? क्या कोई सॉसेज खाना चाहता है? अभी हमें कोई मतलब नहीं है इन चीयरलीडर्स से। वैसे लड़कियों, चलो यहाँ से निकलते हैं, ये लोग दिमाग खराब कर रहे हैं। लड़कियों, तुम लोग इन्हें डेट कैसे कर सकती हो? इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो, मैं मैक्स को कभी माफ नहीं करूंगी। तो क्या तुम लोग पिंग आउट करने वाले हो? रुको लड़कियों, रुको, ये सही नहीं है। हम इस कैंप में अपना वजन घटाने के लिए आए हैं, ठीक है ना? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, समझदारी से काम लो। हाँ, ये सब सही बात है। चलो लड़कियों, बाहर चलते हैं, बेहतर तरीके से वर्कआउट करेंगे। हाँ, ये सही फैसला है। लड़कियों, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, ये बास्केटबॉलर्स इतने जिद्दी कब से हो गए हैं? हाँ, ये तीन हैंडसम लड़के बहुत ही करीबी दोस्त बन गए। देखकर ऐसा लगता है ये लोग एक दूसरे से मिले हैं। लड़कियों, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती, वो लोग ना एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। नास्तिया, हाँ ये अच्छा है, लेकिन तुम क्या इस बारे में कोई सुझाव दे सकती हो मुझे? ये लोग बहुत गरीब आ गए हैं अब तक। वो हमेशा एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं, हमेशा ही। वैसे लड़कियों, मेरे पास एक तरकीब है। नास्तिया, बताओ हमें। नास्तिया, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो ना सिर्फ तुमसे झगड़ा करेंगे, बल्कि यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाएगा, समझ गई ना? लड़कियों, लेकिन तुम उन्हें अलग करोगी सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हारी बात सुने, ठीक है? लड़कियों, जब वो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे और हमारे पास आएंगे, है ना? अकेले हैं। और मैं कहूँगी ब्रवास की यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत। तो लड़कियों, क्या हम उन्हें अलग करेंगे? हाँ, बास्केटबॉलर प्लेयर्स, अब तुम लोग दोस्त नहीं रहे। हम चीयरलीडर्स बनने वाले हैं, हम सबसे ज्यादा शानदार हैं। मैं चीयरलीडर बनूंगी और तुम मेरे पिरामिड, ठीक है ना? क्या गिगी, क्या तुम पागल हो गई हो, बताओ? अभी गिगी, तुम यहीं रहोगी और मैं पिरामिड पे चढ़ूंगी। ओ देखो उनको, ये सब क्या हो रहा है, समझ? ओ लड़कियों, देखो उन्हें, ये क्या है? क्या तुम लूजर्स के साथ नहीं रही सॉसेजेस खाने के लिए? समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने पिरामिड बनाया है, मैं हैरान हूँ। क्या तुमने ये देखा लड़कियों, क्या तुमने ये देखा? सॉसेजेस नहीं है, मुझे ले लो अपने चीयरलीडर्स कमांड के लिए। लड़कियों, तुम लोग बहुत दूर हो चीयरलीडर्स बनने से। चलो, गर्मी खत्म होने का इंतजार करते हैं रिजल्ट। लड़कियों, अभी के लिए इस इलाके से निकल जाओ, हमें वर्कआउट करना है। रुको, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो हमारी मदद कर सकते हैं बास्केटबॉलर्स को अलग करने में? तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन हमने पिरामिड बनाया है। हम चीयरलीडर्स की तरह हम सारा काम करते हैं। ओ, तो तुम चीयरलीडर्स की तरह हो? हाँ, चीयरलीडर्स नहीं है। तुम लोग चुप रहो, मैं बात करती हूँ। वैसे लड़कियों, क्या तुम बोनस कमाना चाहती हो? हाँ? डायना, बोनस क्या होता है? बोनस क्या है, तुम्हें पिरामिड बनाया ना। लड़कियों, क्या तुम पागल हो? एक पॉइंट हमारे फेवर में। हे चीयरलीडर्स, बताओ हमें। डायना, क्या तुम सीरियस हो? वो इससे कभी नहीं बच पाएंगे। लड़कियों, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे लड़कियों, क्या तुम्हें पता है चीयरलीडर्स कितनी शानदार होती है, वो कितने अच्छे अच्छे ट्रिक करती है? तो तुम्हें वो सब करके दिखाना होगा मुझे कि ऐसे किया जाता है, वरना तुम लोग तो चली। हम उन्हें वापस जमीन पे लाना चाहते हैं। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। हाँ तो लड़कियों, तुम्हें मिल सकता है एक और मौका। वाओ चीयरलीडर्स, ये तो बहुत बड़ा मिशन है। ये मेरे लिए आसान काम है। गिगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, समझ गई ना तुम?
तो क्या? तो? अपने दिमाग चलाओ लड़कियों। वैसे अगर तुमने ये सही से कर लिया तो तुम हमेशा के लिए लूजर्स नहीं रहोगे, तुम शानदार हो जाओगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें लड़कियों। अगर तुमने कुछ खराब किया तो भूल जाना कि तुम चीयरलीडर्स हो। वैसे लड़कियों, हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। चलो लड़कियों। एक, दो, तीन, चार। हे, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो। चलो जल्दी यहाँ से, अभी यहाँ की बॉस मैं हूँ, समझ गई तुम लोग? हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट बेस्ट हैं। वैसे लड़कियों, अगर लूजर्स ने अपना काम ढंग से किया तो लड़के अलग हो जाएंगे। हाँ, वो हमारी पीठ पीछे बातें करना बंद कर देंगे। हाँ, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बिल्कुल लड़कियों की तरह बर्ताव किया है। सही कहा। वो अकेले लड़के नहीं है जो पीठ पीछे अपनी गर्लफ्रेंड्स की बुराई करते हैं, ऐसा सभी करते हैं। हमारा पेट भर गया है। सच में आज वो लोग बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। आज पूरा पेट भर के खाना खाया हमने। मुझे तो लगता है कि वो हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। क्या हुआ पत्रिक, तुम इतना दुखी क्यों हो? गीगी ने मुझे छोड़ दिया। भूल जाओ गीगी को। तो लड़कियों, हम बास्केटबॉल प्लेयर्स को अलग कर देंगे और चीयर लीडर्स हमारी दोस्त बन जाएंगी, ठीक है ना? और ये मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ओ गीगी, तुम पानी में मिट्टी डाल रही हो, ये बहुत ही गलत है। प्लेयर्स को अलग करना नामुमकिन है। गीगी, तुमने बास्केटबॉल प्लेयर्स के सामने शर्मिंदा क्यों किया? पैट्रिक, लेकिन तुम मुझसे परेशान हो गए हो। नहीं गीगी, ये तुम कह रही थी मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। क्या हुआ, तुमने अपना मन बदल लिया है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बेहतर हो तो तुम्हें जमीन पे आ जाना चाहिए। क्या तुम हमें छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम चीयरलीडर्स के दोस्त बनने वाले हैं तो तुम चुप हो जाओ, समझ गए ना तुम? तुम्हारा मतलब क्या है गीगी? तुम उसे शांति से छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम बस बास्केटबॉल प्लेयर्स के दोस्त बनने ही वाले थे। और वो तुम्हारे लिए एक भाई की तरह है। वैसे लड़को, चीयर लीडर्स हमारे लिए बहनों की तरह। वैसे लड़को, तुम्हारे भाई किधर है? हाँ, और अब हम उनके पास ही जा रहे हैं। सही कहा पैट्रिक, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। गीगी, तुम सही में उन्हें नीचे ले आई? संभाल लिया। आज मैं किसी को भी नीचे लाने के लिए तैयार हूँ। वो लोग देखो कितनी खुश हैं और सही से वर्कआउट भी कर रहे हैं। ट्रेनर को बतानी पड़ेगी। दोस्तों, क्या तुम सीरियस हो? लेकिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कोई उन्हें डेट नहीं कर रहा है, शायद तुम कर रहे हो, और मैं और मैक्स तो बिल्कुल भी नहीं। कौन डेट कर रहा है? मैं याना को डेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, क्या तुमने उसको देखा? मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा हैंडसम है चीयर लीडर्स के लिए। हाँ, वो बदसूरत है। Problems on problems on problems on problems on problems on problems are solved. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is basketballers. तुम लोग इधर आओ, जल्दी। ओहो, लड़कियां तुम्हारे पास आ गईं। मैं ही क्यों? क्या चाहिए तुम्हें लड़कियों? तो तुम लड़कों बहुत दोस्ताना दिखाते हो ना? तीन दोस्त, तुम्हारी दोस्ती बहुत ही करीब की है ना? हाँ दोस्तों, तुम पीठ पीछे चीजें करते हो और मुंह पर झूठ बोलते हो। स्माइल, तुम्हें पता है ब्रोस्तुआ ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? उसने तुम्हें पिंपली बुलाया। कौन? मैं? तुमने मुझे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है और क्या हुआ है? मैक्स ने ब्रवास्की के बारे में क्या कहा? उसने कहा कि सोते समय ब्रोस्तुआ अपने तकिए गंदा करता है। हे मैक्स, क्या मैं सही में सोते हुए अपना तकिया गंदा करता हूँ? मैक्स, क्या तुम्हें पता है ब्रोस्तुआ और स्माइल तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? क्या कहा था तुमने? हमें नहीं पता है। वो मैक्स बहुत ज्यादा बदबूदार है, ऐसा कहते हैं। हाँ, तुम सिर्फ अपने मोजे साफ नहीं करते बल्कि उसे घुमा भी देते हो। मैक्स, तुम बड़ा सा झगड़ा करना चाहते हो? एक बड़ा झगड़ा? अपना हाथ दूर रखो, समझे ना? क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो? दूर रहो मुझसे, समझे ना? दूर रहो, दूर रहो, हटो, दूर रहो। हमें एक पॉइंट मिल गया। लड़कियों देखो, उन्होंने कर दिखाया। हाँ सच में उन्होंने कर दिखाया है, बहुत मजा आने वाला है अभी। हाँ सच में बहुत अच्छा। हाँ लड़कियों ने अच्छा काम किया। मैं नहीं, मत बहुत तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट जरूर देंगे, मतलब नहीं, बस उनके बीच में लड़ाई हो जानी चाहिए। लड़कियों अब वो हमारे पास आने ही वाले हैं, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। लड़कियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने शब्दों पर टिको। याना, मुझे माफ कर दो। याना, याना, अब वो हमारा दोस्त नहीं है, वो धोखेबाज है। याना, लायला, किधर हो तुम? स्माइल और ब्राउज ने नाटक किया है वो बनने का जो कि वो नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम बास्केटबॉल प्लेयर्स को माफ कर देना चाहिए? अगर हाँ तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें नए एपिसोड का। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। लड़कियों, कोई मतलब नहीं है सच में।
लड़कियों हमें माफ मेरी तरफ मत देखो। लड़कियों एगी की सुन रही हो ना, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्या बोल दिया मैंने, मेरे क्या बास्केटबॉलर्स। ओ देखो लड़कियों वो किधर से आ रहे हैं। चुप चुप। अरे हाँ सच में उन्होंने कर दिखाया जो वो चाहते थे, सब कुछ हो गया वैसा ही जैसा हम चाहते थे, है ना। हाँ हाँ लड़कियों अब देखना कितना मजा आने वाला है। नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। लड़कियों मुझे उम्मीद है तुम अपनी बात पर टिको।